डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन मना रहे हैं युवा प्रेरणा दिवस के रूप में, और अभी हमने डॉक्टर साहब के जन्मदिन पे केक काटा है। आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, उनमें जाकर हम फल वितरित करेंगे। गरीब बस्ती हैं जो भी, सब में फल बांटेंगे। तो जगह चिन्हित की गई है सर, जैसे कि सनातन धर्म जी, एक बहुत दूर बस्ती है बड़ी बस्ती, और अस्पताल हो गया अपना, तो तीन चार जगह ऐसे जाके जो गरीब बस्ती है उनमें जाके हम फल वितरित करें जी। सर, प्रदेश के मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन जो है युवाओं, जो हमारी पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र में वादे किए थे, अब हम हमारी सरकार उनको धीरे धीरे पूरे करती जा रही है। जैसे कि 75% आरक्षण, 50% महिलाओं को पंचायत राज में, और 33% का कोटा, और युवाओं को डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने वगैरह, सारा कुछ जो हमने वादे किए हैं धीरे धीरे पूरे करेंगे, और पेंशन भी अभी अगले साल बढ़ जाएगी। चांदनी मलिक, JJP पार्टी, कैथल से। अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पर उनको हार्दिक शुभकामना देती हूँ, और उनके प्रेरणा दिवस पे, और युवाओं को 75% रोजगार देने का जो उन्होंने वादा पूरा किया है, और कोटा में लेडीज़ को 33% उसका उस, और 50% महिलाओं को सर उसमें सरपंच विभाग में उन्होंने आरक्षण दिलवाया, उनका धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, मैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो जिनका जन्मदिन हम बड़ी खुशी से मना रहे हैं और हर साल ऐसे ही मनाते हैं, वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने इंसवा गठन करके युवाओं को एक अहम रास्ते पर लाने का पहल की थी। क्या पद है आपका, क्या नाम है जी आपका? प्रदेश उपाध्यक्ष किसान सेल। आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, उनमें जाकर हम फल वितरित करेंगे। गरीब बस्ती हैं जो भी, सब में फल बांटेंगे। तो जगह चिन्हित की गई है सर, जैसे कि सनातन धर्म जी, एक बहुत दूर बस्ती है बड़ी बस्ती, और अस्पताल हो गया अपना, तो तीन चार जगह ऐसे जाके जो गरीब बस्ती है उनमें जाके हम फल वितरित करेंगे जी। सर, प्रदेश के मुद्दों के बारे में क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन जो है युवाओं, जो हमारी पार्टी ने हमारे घोषणा पत्र में वादे किए थे, अब हम हमारी सरकार उनको धीरे धीरे पूरे करती जा रही है। जैसे कि 75% आरक्षण, 50% महिलाओं को पंचायत राज में, और